दोस्तों 1971 वो क्रिसमस की रात थी जब लीमा से पेरू जा रही एक प्लेन पर बिजली गिर जाती है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय एक लड़की के। ये अकेली लड़की होती है जो उस प्लेन क्रैश में बच जाती है। इस लड़की का नाम जूलियन होता है। दोस्तों इस लड़की का बचना किसी करिश्मे से कम नहीं था क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर बचना हर एक की किस्मत में नहीं होता है। जहां इस लड़की की किस्मत ने इसे उस प्लेन क्रैश में बचाया वहीं अब इसका साथ छोड़ने वाली थी क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जंगल यानी अमेजोन रेन फॉरेस्ट में इसका प्लेन क्रैश हुआ था। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। जूलियन की पैदाइश 10 अक्टूबर 1954 को हुई थी। जूलियन के फादर एक बायोलॉजिस्ट और इनकी माँ एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थीं। जूलियन अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई लीमा के एक स्कूल में कर रही थी जहाँ ये अपनी मदर के साथ रहती थी। जूलियन ने अपनी मदर के साथ प्लान बनाया कि वो इस क्रिसमस अपने फादर के साथ मनाना चाहती हैं तो जूलियट की माँ इसकी बात मान जाती हैं और वो लोग दोनों 24 दिसंबर 1971 को लीमा से पेरू के लिए फ़्लाइट लेती हैं। इस फ्लाइट में टोटल 93 लोग होते हैं। जूलियट इस बात से बहुत खुश थी कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ ये क्रिसमस मनाने वाली है पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ये खुशी बस चंद सेकंड की है। तभी मौसम ख़राब हो जाने की वजह से फ्लाइट में ट्रबलेंस आने शुरू हो जाते हैं और तभी देखते ही देखते एक बिजली प्लेन पर गिर जाती है जिसकी वजह से प्लेन के कुछ हिस्से टूट जाते हैं और वो प्लेन डायरेक्ट 10,000 फीट की ऊंचाई से ज़मीन की तरफ आने लगती है और वो प्लेन अमेजोन में क्रैश हो जाती है। जूलियन अपने सीट बेल्ट को कसकर बांधकर होती हैं जिसकी वजह से ये उस प्लेन क्रैश में बच जाती हैं। उस प्लेन क्रैश में जूलियन बेहोश हो जाती हैं और जब वो आँख खोलती हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी पसली की हड्डी टूट चुकी है और उनकी आँखों में भी चोट आई है और उनके राइट हैंड में एक गहरा कट है। जूलियन सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ देती हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी माँ करीब में होंगी क्योंकि वो लोग दोनों प्लेन में एक साथ ही थीं। जूलियन उस प्लेन क्रैश के चारों तरफ देखती हैं पर उनको उनकी माँ कहीं नहीं मिलती है। तब वो समझ जाती हैं कि वो उस प्लेन क्रैश में अकेली ही बची हैं। जूलियन को उस क्रैश साइड में एक कैंडी का पैकेट भी मिलता है। जूलियन को जंगल के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी क्योंकि जब वो 14 साल की थी तब वो 18 मंथ्स के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रिसर्च स्टेशन में गुजारी थी जो कि अमेजोन की करीब में था। उस एक्सीडेंट में जूलियन के एक पैर का शू कहीं खो जाता है जिसकी वजह से जूलियन अपने उस पैर को पहले आगे करती हैं जिस पैर में शू था। क्योंकि ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि अमेजोन में बहुत से ऐसे भी सांप थे जो देखने में किसी पत्ते या पत्थर की तरह लगते थे। इसी वजह से जूलियन अपने उस पैर को पहले आगे करती थी। कुछ दूर जाने के बाद जूलियन को एक छोटी नदी मिलती है और जूलियन को ये बात पता थी कि नदी के किनारे चलने से वो किसी छोटे से कस्बे तक पहुँच जाएंगी इसलिए जूलियन ने उस नदी के साथ चलना शुरू किया। वो नदी आगे जाकर एक बड़ी नदी से मिल जाती है और अगले 11 दिन उस नदी के साथ वो चलती रहीं। जूलियन के लिए सोना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि रात में बारिश और कीड़े मकोड़े से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उनके उस राइट हैंड के उस कट में इन्फेक्शन हो गया था जिसमें पिल्लू लगने लगा था और वो 8 दिन से भूखी भी थी। 9 दिन से जूलियट उस नदी के सहारे चल रही थी और फाइनली उन्हें एक झोपड़ी दिखती है और उस नदी के पास एक छोटा नाव भी दिखता है। जूलियन ने सबसे पहले उस नाव के पास जाकर थोड़ा सा पेट्रोल लिया और अपने उस इन्फेक्शन वाले जख्म पर डाल दिया क्योंकि उन्हें याद था कि जब उनके कुत्ते के पैर में इन्फेक्शन हुआ था उनके फादर ने भी अपने कुत्ते के पैर में पेट्रोल डाला था और फिर उनका कुत्ता ठीक हो गया था। जूलियन ने भी सेम यही किया और उनके उस इन्फेक्शन वाले हाथों से बहुत सारे पिल्लू भी निकलने लगे थे। जूलियन को उस वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी पर वो खुश भी थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कोई उस झोपड़ी में होगा जो उन्हें बचा लेगा। जूलियन उस बोट के पास बैठकर उसके ओनर का वेट करने लगती हैं। कुछ घंटे वेट करने के बाद फाइनली जूलियन को कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है।
जब वो आदमियों ने उस झोपड़े के पास एक लड़की को देखा तो वो लोग बहुत हैरान थे। तभी जूलियन ने अपना इंट्रोड्यूस करवाया और वो बताती हैं कि वो एक जर्मन गर्ल हैं जो पेरू से पोकाल्पा में अपने फादर से मिलने जा रही थी, और तभी उनका प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से वो अमेजोन में फंस जाती हैं। उन लोगों ने जूलियन को खाना खिलाया और उनको नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब जूलियन बिल्कुल ठीक हो गई तब वो अपने फादर से मिलती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। दोस्तों, आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।